सब्सक्राइब करें डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हेल्थ वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। मैंने देखा है अक्सर लोग चेहरे की त्वचा में एलर्जी या रूखेपन से या खुजली से या रिंगवर्म से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। फेस में वर्म इन्फेक्शन हो जाता है और ईचिंग होती है, रेडनेस हो सकती है और लाल लाल ऐसे निशान बन जाते हैं जैसे राउंड शेप में हो और छोटे छोटे उभार आ जाते हैं, लाल हो जाता है और खुजली बहुत होता है। चेहरे में किसी प्रकार की एलर्जी हो, चेहरे में कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो या रिंगवर्म आ जाए, फंगस है रिंगवर्म वो आ जाए, या चेहरे में ईचिंग हो, चेहरे में रूखापन हो, चेहरे में ड्राइनेस आ गई है, चेहरे में खुजली हो रही है, चेहरे में लालपन आ गया है, कारण मैं आपको कुछ गिना रहा हूँ, उन कारणों को ध्यान देना। पहली बात, हमारा रात में जागने का टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, इस वजह से हमारी बॉडी में या फेस में कभी भी ईचिंग होना एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक तंत्र की कमजोरी को दिखाता है। दूसरी बात, हम कितने बजे सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना कितने बजे खा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो चीज़ है जो डिसाइड करती है कि आपका जो प्रतिरोधक तंत्र है किस तरह से काम कर रहा है। आपके खाने से आपके शरीर में फ्यूल यानी कि पेट्रोल जाता है, आपके खाने से आपका ग्लूकोज जाता है। तीसरी बात, जो चीज़ हम अपने खाने में खा रहे हैं क्या वो सही पोषक आहार है, यानी दाल चावल सब्जी रोटी जो हम लोग पूरा खाया करते थे उसके साथ सलाद या फ्रूट्स ये सब हम लोग खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, या कभी कभी भी खाते हैं कि नहीं खाते, इसको ध्यान देना चालू कीजिए। चौथी बात, क्या हम किसी तरह की कोई दवाइयाँ खा रहे हैं या कोई लंबे समय से दवाई ले रहे हैं जिसकी वजह से हमें कोई ड्रग एलर्जी हो रही है, इसको नोट करें। पाँचवीं बात, हम लोगों को सेल्फ मेडिकेशन की आदत होती है, दवाइयाँ खाने की आदत होती है, कुछ ना कुछ दवाई हमने कुछ ना कुछ तरीके से छोटी छोटी चीज़ों के लिए खाते ही रहते हैं बिना डॉक्टर की सलाह लिए, ये एक बहुत बेकार चीज़ है। छठी बात, बातों को ध्यान से समझिए। छठी बात बहुत कॉमन है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपकी रोज जो फेस वॉश, फेस क्रीम, फेस के पाउडर लगाने की आदत है उसके बारे में, हम अपने चेहरे पे लगा क्या रहे हैं, कौन सा पाउडर लगा रहे हैं, कौन सा क्रीम लगा रहे हैं और इसमें किस तरह कितने प्रकार के केमिकल इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, क्या हमें इसके बारे में कुछ जानकारी है, हम बिल्कुल भी इस बारे में जानकारी नहीं रखते। और हमारे जितने भी लोगों ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ किए हैं उनके फेस में ज़्यादा एलर्जीज या ज़्यादा तकलीफें होती हैं, स्पेशली मोमेटासोन या इस तरह के कोई स्टेरॉयड यदि हम यूज़ कर रहे हैं और स्टेरॉयड वाले गोरा बनाने वाली क्रीम जैसे कोई उत्पाद हम यूज़ कर रहे हैं और वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं बिना डॉक्टर की सलाह के तो डेंजर है, आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी और स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह से आपको ईचिंग जलन हो सकती है और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है क्योंकि बार बार उपयोग किए जाने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी, बार बार उपयोग किए जाने वाले केमिकल प्रोडक्ट्स भी आजकल, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अछूते नहीं है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स से, इसीलिए ये प्रोडक्ट्स आपके चेहरे के आपकी स्किन के डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर करते हैं और आपको इम्यून सिस्टम की कमजोरी की वजह से, प्रतिरोधक तंत्र की कमजोरी की वजह से, क्योंकि प्रतिरोधक तंत्र बॉडी में ही नहीं है हमारे फेस का भी एक सिस्टम है, उसके भी बैक्टीरिया फंगस वायरसेस हैं जो हमारी बॉडी में हर जगह होते हैं, फेस पे भी होता है, तो फेस का भी एक डिफेंस सिस्टम है, स्किन का एक डिफेंस सिस्टम है, वो कमज़ोर हो जाता है, हमारे सफ़ेद लक्षण उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते और हमारे इम्यून सिस्टम को धोखा होता है और वो एलर्जी क्रिएट कर जाता है या किसी तरह के एलर्जन से भी हमें कोई एलर्जी हो सकती है। पर आजकल जितनी भी समस्याएं हो रही है वो हमारी खुद की सेल्फ मेड हैं और वजह खुद तुम ही हो। मैं बार बार ये शब्द यूज़ करता हूँ, वजह तुम हो, क्योंकि वजह वाकई में तुम खुद हो अपने शरीर के लिए। हरी सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स अच्छे से खाएं, कुछ दवाइयों के नाम मैं बता रहा हूँ उन्हें नोट कर लीजिए। इचिनेसिया 1x टैबलेट 2-2 गोली सुबह शाम, इसे मुँह में रख के चूस लीजिए, आपकी ईचिंग का सेंसेशन बंद हो जाएगा। यदि फंगल इन्फेक्शन आपको हो रहा है तो कैलेडियम 30 और एसिड क्राइसॉर्बिनम 30 पोटेंसी में 2-2 गोली सुबह शाम यूज़ कर लीजिए आपको, या 4-4 गोली सुबह शाम की मात्रा में, आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होंगे, चेहरे पे ख़त्म हो जाएगा। साथ में 2 दवाई और रखना,
नक्सवामी का 200 और लाइकोपोडियम 200 इन्हें साथ में कंटिन्यू करना, दो दो बूंद सुबह शाम या चार चार बूंद सुबह शाम की मात्रा में, और एक मदर टिंचर 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम, थूजा मदर टिंचर 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम आधा कप पानी में लेके पी लीजिए, सारे इन्फेक्शन गायब हो जाएंगे। और एक दवाई साथ में नोट कर लीजिएगा, क्रीम लगाना है आपको एसिड क्राइसॉर्बिनम का, एसिड क्राइसॉर्बिनम या एसिड क्राइसो नाम से होता है या क्राइसॉर्बिक एसिड नाम से आपको मिलेगा, एसिड क्राइसॉर्बिनम, क्राइसॉर्बिक एसिड या एसिड क्राइसो, किसी भी तरह से नाम ले लें, एसिड क्राइसॉर्बिनम ऑइंटमेंट आप फेस पे लगा लें, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, पूरी बीमारी आपके फेस की खत्म हो जाएगी। खाना सुधार लीजिए, सोने का टाइम सुधार लीजिए और खाने का तरीका ठीक कर दीजिए। मिर्च मसालेदार खाना फंगस को पसंद है, वो बहुत बढ़ेगा। आप यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में जैम सॉस जेली वगैरह लेते हैं या बहुत ज़्यादा एसिडिक खाना खाते हैं, उसको पसंद है, ख़राब खाना आप खाएंगे, फंगस का पार्टी हो जाएगा, उसको बहुत मज़ा आएगा, पूरा बॉडी में फैल जाएगा। तो ध्यान रखिए, खाने पे विशेष ध्यान रखिए, हरी सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स खूब ज़्यादा मात्रा में लीजिए। आशा है ये वीडियो भी आपके लिए वैसे ही प्रैक्टिकल साबित होगा जैसा हमेशा होता आ रहा है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ये सब बेकार है, इनमें कुछ नहीं है, आप एक बार करके देखिएगा, आपकी बॉडी में यदि फ़ायदा ना हो तो वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। गारंटीड है जो मैं बता रहा हूँ उससे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इस चैनल को बनाने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे बस इतना फ़ायदा है कि मैं अपने सपनों को पूरा कर रहा हूँ। मेरा सपना है 1 से 1.5 करोड़ लोगों का ट्रीटमेंट फ्री में करना, और वो हो रहा है। जिनको नहीं पसंद है ना देखें, जिनको पसंद आ रहा है वो एक दूसरे को भेजते जाएं, फ़ायदा आपको भी होगा, जिसको जिसने भेजा है उसको भी होगा, आपको दुआ लगेगी, उसे खुशी मिलेगी। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।